एपिसोड 467 पंचतत्व। पूरन जी ने जैसे ही बताया कि ये कोई समय यात्रा नहीं है बल्कि वही समय है, बस स्थान अलग है और जहां से होते हुए यहां आए हैं वह एक जलद्वार था, तो ध्रुव और उसके दोस्त एक साथ चौंकते हुए बोले, जलद्वार? विकी सवालिया नजरों से पूरन जी को देखने लगा। पूरन जी बोले, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, यही ना कि ये किस तरीके का द्वार है। विकी बोला, सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब यही सोच रहे हैं। तभी ध्रुव ने कहा, ऐसे बहुत से द्वार हैं विकी जो धरती पर कहीं छुपे हुए हैं, जल में, चट्टानों में, यहाँ तक कि वृक्ष में भी। तुम्हें भंवरी देवी याद है, जब उनसे हम पहली बार मिले थे और वो हमें अपने क्रियास्थल पर ले गई थी, उसका रास्ता एक पेड़ से होकर गुजरता था। ऐसे द्वार जो इंसानों की नजरों से छुपे रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि इस तरह की कोई चीज होती भी होगी। हमेशा से ऋषि मुनि तपस्वी, यहाँ तक कि पहले जमाने के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी इस तरह के तिलिस्मी द्वार का निर्माण करवाते थे, जिसके माध्यम से वो चंद पलों में ही कहीं से कहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि इस द्वार को कोई साधारण कारीगर या इंसान नहीं बनाता था। ऋषि मुनि अपने तपोबल से बनाते थे, इसका निर्माण करते थे। राजा महाराजा जादूगर या फिर मायावी असुर, इन सबसे इसका निर्माण करवाते थे। तो इस द्वार में उनकी जादुई शक्ति समाहित होती है, जिससे इनकी गति तेज हो जाती है। हजारों किलोमीटर की दूरी है, कुछ सेकंड में पूरा कर लेते हैं। समय वही रहता है, बस स्थान बदल जाता है। ये जलद्वार भी उसी द्वार का एक नमूना है। सोचो, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया होगा कि उस नदी में एक ऐसा द्वार भी है। हो ना हो, ये जलद्वार सिद्ध पुरुष ने ही बनवाया होगा। क्या मैं सच कह रहा हूँ पूरन जी? पूरन जी ने कहा, तुम्हारी बाकी सभी बातें बिल्कुल सही है ध्रुव, लेकिन द्वार का निर्माण सिद्ध पुरुष ने नहीं किया है। इस द्वार का निर्माण कब हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसे ढूंढा था सिद्ध पुरुष ने ही। वो पहली बार पाली इसी द्वार की मदद से आए थे। ध्रुव बोला, अच्छा तो ये ऐसी कौन सी जगह है? हम अगर उसी कालचक्र में हैं, उसी समय में हैं, तो ये जगह किस नाम से जानी जाती है? पूरन जी ने कहा, ये जगह संसार में है, लेकिन सामान्य इंसान इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। ये सिद्ध पुरुष के साधना का स्थल है, जहाँ कई ऋषि मुनि अपने अपने साधनों में और ध्यान में मग्न है जाने कितने वर्षों से। ध्रुव पहाड़ों की तरफ देखता हुआ अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ने लगा था। जैसे ही ये लोग पानी से निकले, इनके कपड़े सूख चुके थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे अभी अभी पानी से निकले हो। ये देखकर जुल्मी बच्चों की तरह खुश होता हुआ बोला, ये तो चमत्कार है। पूरन जी बोले, अभी तो चमत्कारों की शुरुआत हुई है। अब तुम्हें मेरी बातों का मतलब समझ में आएगा कि यहाँ किसी भी चीज की आवश्यकता क्यों नहीं है। तारा तो जैसे उस जगह की खूबसूरती में खोई गई थी, एक से एक ऐसे फूल जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, रंग बिरंगी तितली, पक्षी, सब कुछ इतने मनमोहक थे कि बस इन्हें देखते हुए जिंदगी गुजारी जा सकती थी। इस जगह पर आकर ना तो उन्हें भूख का एहसास था, ना ही प्यास का, एक तृप्ति महसूस हो रही थी। तारा मुस्कुराती हुई बोली, विकी, ये सब कुछ एक सपने जैसा नहीं लग रहा, एक खूबसूरत सपना? पता है, यहाँ आकर तो लाइफ की सभी टेंशन भूल चुकी हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा है जैसे हमारे सिर पर कोई मुसीबत बन रही है, हम जिसका सामना करने वाले हैं। विकी ने कहा, तुम सही कह रही हो तारा, ये सब कुछ कमाल का है। छलावा ध्रुव के साथ आगे बढ़ता जा रहा था और चलते चलते उसने ध्रुव से कहा, एक बात कहूं? ध्रुव बोला, हाँ बोलो ना। छलावा बोला, इस जगह पर आकर अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मन में एक शंका है। ध्रुव बोला, कैसी शंका? छलावा ने कहा, मैं यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन मैं उसी औरत का बेटा हूँ जिसे सिद्ध पुरुष ने श्राप दिया था, तो मेरा उनसे मिलना, मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ध्रुव ने छलावा के कंधे पर हाथ रखा और थपकी देता हुआ बोला, और तू शायद भूल रहा है कि सिद्ध पुरुष कितने दयालु थे, जिसे श्राप दिया उसे खुद मुक्ति का मार्ग भी बताया, और तेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तू यहाँ है तो ये उन्हीं की मर्जी से है। पूरन जी ने तुझे और मुझे, हम दोनों को चुना था, तो जाहिर बात है इसके पीछे कोई लॉजिक होगा। मैं तो यही सोचकर खुश हो रहा हूँ कि एक दिव्य आत्मा के दर्शन होने वाले हैं, जिनके बारे में सिर्फ सुनता आया हूँ, जो अब तक एक रहस्य थे। ऐसा लगता था वो सिर्फ एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति, लेकिन आज उनसे सामना होने वाला है। सच कहूं छलावा, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी शक्तियां, मेरी एनर्जी, सब कुछ इस जगह पर आकर इस जगह में खो गई है। मैं सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि को हासिल करने चला है। मेरा ऐसा मानना है सिद्ध पुरुष के दर्शन पाकर सब कुछ यहीं से सही होना शुरू होगा, तू भरोसा रख। चलते चलते पूरन जी एक पहाड़ के सामने जाकर रुके और उन्हें इस तरह पहाड़ के सामने रुकता देख जुल्मी बोला, आप नदी के पास रुके थे तो नदी के रास्ते से हम यहाँ आए थे, अब आप यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ पर भी कोई दरवाजा है क्या? इतना कहकर जुल्मी इस पहाड़ को छूने लगा और देखने लगा, फिर बोला, हमको तो यहाँ कोई दरवाजा नहीं लग रहा है, ना कोई कुंडी है, ना कोई ताला है, यहाँ क्यों रुक गए हैं आप? पूरन जी बोले,
मेरा काम सिर्फ तुम लोगों को यहीं तक लेकर आना था। अब यहाँ से तुम लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर तारा बोली, ये क्या बात हुई? मतलब आप हमारे साथ नहीं रहेंगे, आप वापस जा रहे हैं? पूरन जी बोले, नहीं मैं वापस तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ भी नहीं रहूंगा, पर मेरी नजर तुम लोगों पर रहेगी। छलावा ने कहा, तो हम कैसे अपना रास्ता ढूंढेंगे? ये जगह तो बहुत बड़ी है, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, कहीं कोई रास्ता या कहीं कोई इंसान तो दिख ही नहीं रहा। पूरन जी ने कहा, तुम्हें क्या लगा सब कुछ इतना आसान होगा? मैं तुम लोगों को लेकर आऊंगा और सिद्ध पुरुष के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा और तुम उनसे मिल लोगे। सब कुछ इतना आसान नहीं होता छलावा, जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और किसी लक्ष्य को पाने के लिए तो बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ध्रुव बहुत शांति से बोला, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, आप बस आज्ञा करिए हमें करना क्या होगा और हम अपने लिए आगे का रास्ता कैसे ढूंढ लेंगे। पूरन जी बोले, इस संसार में हर एक जीव, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, पंच तत्वों से बने हुए हैं, यानी कि पांच तत्व। तुम्हारे लिए आगे के रास्ते, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब, सब कुछ तुम्हें पंच तत्व की मदद से ही मिलेंगे। ये समझ लो कि तुम्हारे सामने पांच दरवाजे हैं जो पंच तत्वों के प्रतीक हैं, और तुम्हें उन पांचों दरवाजों को पार करते हुए आगे बढ़ना है, और पांचवें दरवाजे को जैसे ही तुम पार करोगे तुम सिद्ध पुरुष से मिल पाओगे। इससे पहले ध्रुव कुछ और पूछ पाता, पूरन जी एक तरफ चल पड़े। विक्की बोला, ये इन्होंने हमें कहां लाकर फंसा दिया? मैं कह रहा था ऐसे अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, मुझे तो अब पूरन जी के साथ साथ ये जगह भी अजीब लग रही है। अभी तक ये जगह इतनी सुंदर लग रही थी, अब ये जगह मुझे मनहूस लग रही है। देख तो कहीं कोई है ही नहीं इस जगह पर, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी हॉलीवुड मूवी का जो सीन होता है ना उसमें आकर फंस गया हूं। ध्रुव ने कहा, पेशेंस रख विक्की, पूरन जी की बात भी तो कुछ गलत नहीं थी ना, हमने कैसे सोच लिया कि सब कुछ इतना आसान होगा? हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो था ना कि वो हमें ले जा रहे हैं और हमें सिद्ध पुरुष से मिलवा देंगे, सब कुछ आसानी से हो जाएगा और सिद्ध पुरुष हमारे सवालों के जवाब दे देंगे, हम वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? सोचकर देख, एक छोटी सी चीज अपने पीछे 10 चीजें छोड़ती है। अगर तू इंस्टेंट नूडल्स बनाकर भी खाने जाता है ना तो उसके कई प्रोसीजर होते हैं। इंस्टेंट नूडल्स लाएगा, पानी उबालेगा, नूडल्स डालेगा, उसको प्लेट में निकाल लेगा और खाएगा। एक छोटी सी चीज के कितने प्रोसीजर हो सकते हैं, तो सिद्ध पुरुष से मिलने के कितने होंगे? थिंक अबाउट इट। विक्की ध्रुव के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, जी महागुरु, एक ज्ञान देकर गए थे, अब आपका ज्ञान भी हमें मिल गया, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, हम तो बस आपको फॉलो कर लेंगे। उन लोगों की बहस के बीच में छलावा कुछ कदम आगे बढ़ा और चारों तरफ देखने लगा। उसको इस तरह देखते हुए देखकर विक्की झल्लाता हुआ बोला, अब तू क्या देखने चला गया, वापस आ जा, ये महागुरु ने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है ना, उन्हें करने दे, वैसे भी सब कुछ तो वही करेंगे, चुपचाप आकर यहाँ खड़ा हो जा। लेकिन छलावा ने हाथ के इशारे से विक्की को रोकने के लिए कहा और तुरंत उत्साहित होता हुआ बोला, दोस्तों पंचभूत यानी कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। जुल्मी बोला, ये तो हमको भी पता है, इतना छोटा बात है कि संसार में सबको पता है कि पंच तत्व में ये पांच चीजें आती हैं। छलावा बोला, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होगा कि हर इंसान के भीतर इन पंच तत्वों में से एक तत्व सबसे प्रबल होता है। पहले के समय में अक्सर ऋषि मुनि या कोई भी साधक अपने भीतर के उस तत्व को पहचान कर उसको जागृत करता था। हम सब में भी एक न एक तत्व सबसे अधिक है, और हम अगर उसे जागृत करें तो उस तत्व को हम अपने वश में कर सकते हैं। छलावा की बात से ध्रुव भी सोचने लगा था और तारा बोली, ये सब तो ठीक है छलावा, लेकिन तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, वो बताओ ना। छलावा बोला, देखो पूरन जी ने हमें यहाँ लाकर क्या कहा, हमें पंच तत्व की मदद से आगे बढ़ना है, पांच दरवाजों को पार करना है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से सुनो, इसे दिल पर मत लेना कोई। सिद्ध पुरुष से मिलने का काम या सिद्ध पुरुष के पास जिसे जाना था वो सिर्फ मैं और ध्रुव थे। सबसे पहले पूरन जी ने यही कहा था कि हम दोनों का जुड़ा हुआ काम है, हम दोनों को जाना है, लेकिन उन्होंने तुम तीनों को भी अपने साथ आने के लिए कहा, जबकि तुम तीनों का यहाँ कोई काम नहीं है, न सिद्ध पुरुष से तुम तीनों का कोई लेना देना है, लेकिन तुम तीनों यहाँ हो और हम मिलकर कितने हो गए, पांच। अब फिर से समझो, हम पांच, पांच तत्व, पांच दरवाजे। तुम्हें नहीं लगता कि इन सब का आपस में कोई लेना देना है और हम पांच को लाने के पीछे भी कोई खास मकसद था? अब छलावा की बातें उन सबको समझ में आने लगी थी और विक्की बोला, अरे हाँ छलावा, माफ करना यार, मैं तो ऐसे ही बोल गया कुछ भी, लेकिन तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इन सब का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ही। तू क्या बोलता है ध्रुव, इन सबको हम आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि जैसे छलावा बता रहा है इसी के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्रुव आगे बढ़ा और एक लकड़ी की मदद से जमीन पर कुछ लिखने लगा, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और इथर, और बोला, ये है पंच तत्व, जिसमें पहला तत्व है वायु
और आखिरी तत्व है इथर। विकी बोला, इथर ये कौन सा तत्व है? आकाश है ना पांचवा तत्व। ध्रुव ने कहा, ईथर, ईथर पंच तत्व का पांचवा तत्व है और ये अंतरिक्ष की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ईथर को सबसे सूक्ष्म तत्व माना जाता है क्योंकि ये हर जगह मौजूद है, लेकिन इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इसलिए ये माना जाता है कि ईथर सभी जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, और इसे ही लोग बोलचाल की भाषा में आकाश कहते हैं क्योंकि इसका संबंध अंतरिक्ष से है। विकी बोला, ठीक है, समझ गया, तो इसका क्या मतलब है? इससे तुझे क्या समझ में आ रहा है? ध्रुव ने कहा, पहला तो है वायु, यानी कि हमारा पहला दरवाजा वायु तत्व से होकर गुजरता है। मतलब हमें वायु से जुड़ी कुछ चीजें ढूंढनी पड़ेंगी जो हमें आगे का रास्ता दिखाए। और जैसा कि छलावा ने कहा, हम पांच हैं यहाँ, यानी कि हम सब में एक ना एक तत्व जागृत अवस्था में है जो सबसे ज्यादा है। तो जिसमें भी वायु तत्व अधिक होगा वही उस दरवाजे को ढूंढने में या उसका इस्तेमाल करने में हमारी सहायता कर पाएगा। अब सबसे पहले हमें अपने भीतर ये ढूंढना होगा कि वायु तत्व हम सब में से किस में सबसे तीव्र है। जुल्मी बोला, लेकिन ध्रुव, हम लोग कैसे मालूम कर पाएंगे इस बारे में? ये तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, हमारे लिए तो नहीं। छलावा के लिए भी एक बार को आसान हो सकता है, लेकिन हम तीनों कैसे ढूंढे? ध्रुव ने कहा, जिस तरह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं इसी तरीके से हमें आगे भी अपने रास्ते बनाने होंगे, और समझना होगा कि हम सब में से पहले तत्व पर कौन सा रूप आ सकता है। तभी उसने गौर किया कि हवाएं धीरे धीरे तेज होने लगी थी, वहां मौजूद पेड़ पौधे सब हिलने लगे थे। ध्रुव ने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में छोड़ दिया और फिर बोला, ये देखो हवाओं की गति उस तरफ है, चलो मुझे लगता है हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, वहीं हमें कुछ पता चलेगा। ध्रुव आगे आगे चलने लगा और बाकी सब भी ध्रुव के पीछे पीछे बढ़ने लगे। उन सब के यहाँ से जाने के बाद एक पेड़ के झुरमुट से पूरन जी निकल कर सामने आए और उन पांचों को जाते हुए देखकर मुस्कुरा उठे और बोले, तुम लोग मेरे अनुमान से भी ज्यादा समझदार हो। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम पांच दरवाजे को आसानी से ढूंढ पाओगे। ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे।